कोई उपस्थित नहीं रहता है तो एक गलत न्यूज़ फैलाई जाती है कि भाई एकजुटता नहीं है। सारे लोगों ने ये बात दोहराई है कि हम सब एक हैं, बिल्कुल कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई दूसरा विचार नहीं है, लोगों के हित में कांग्रेस जिसके लिए जानी जाती है उसके लिए लड़ेंगे और पीसीसी के नेतृत्व में लड़ेंगे, ये सभी लोगों ने जुटाया है। राहुल गांधी सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव होंगे, उन्होंने कहा पीसीसी चीफ के नेतृत्व में, तो मैं कह रहा हूँ ना राहुल गांधी उनको पीसीसी अपने आप ही होगा ना, राहुल गांधी सोनिया गांधी। इसमें गुटबाजी खत्म हो ताकि सशक्त विपक्ष खड़ा हो सके, लेकिन उनके अंदरूनी इस प्रकार के मनमुटाव हैं कि उनको पाठ पढ़ना बड़ा मुश्किल है। और ये यहीं से नहीं है, प्रदेश से नहीं है, इसका संरक्षण दिल्ली से है, राष्ट्रीय कार्यालय से है। तो हम तो चाहते हैं कि हम एक सशक्त विपक्ष मिले। चलिए कांग्रेस के उस रुख पर बात करते हैं जिसमें पायलट के बाद कामत की एंट्री होती है। खंडेला साहब, ये सिलसिला आपसे शुरू करते हैं, क्या कामत के आने के बाद इस गुटबाजी के किस्से में चर्चाएं तेज हुई? क्योंकि पहले हमने सुना था कि ठीक है गहलोत हैं, सीपी जोशी हैं, उससे पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अचानक तीन धड़े बन जाना, अचानक ये कहना कि दिल्ली से बार बार दखल होता है, अचानक ये कहना कि बार बार सफाइयों का दौर आता है। देखिए अश्वनी जी, मैं आपको बहुत एक बात बता रहा हूँ जो सीक्रेट तो नहीं, अब तो ओपन सीक्रेट है। अब राहुल गांधी जी से जो सोकार जो नेतृत्व था ना, वो वापस सोनिया जी की तरफ जा रहा है। अब सोनिया जी डिसीजन लेने लग गई हैं और सोनिया जी बिल्कुल ये पसंद नहीं करेंगी कि कोई व्यक्ति जो है ना वो इस तरह की बात करे कि यहाँ पर गुटबाजी है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए उनको। और कामत जी को जो निर्देश दिया गया है वो अगर वो इसको स्वीकार कर लेते हैं, चाहे घर में करें अंदर करें कोई दिक्कत नहीं है, और वो उसके आधार पर कोई काम करते हैं, मैं समझता हूँ ये भी अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ बात महत्वपूर्ण जो है ना वो ये है कि विपक्ष जो है, आज कामत साहब ने एक बात कही थी, उनका कहना था कि पीसीसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इससे पहले पायलट बोला करते थे, साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष का नाम लिया करते थे, तो ये जो है चेंज है, ये ठीक है कि उनको वहां का निर्देश मिला। और एक बात बता रहा हूँ, अगर वो कामत जी ये कहेंगे पीसीसी जो अध्यक्ष है उसके नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा, ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है लड़ा जाएगा, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि उस समय आप अध्यक्ष का नाम नहीं लिया, इस बार कहा कि पीसीसी होगी। देखिए कैटेगरी के लिए उस समय आप ये कह रहे थे, यानी पायलट वुड बी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन मैं बात दूसरी कह रहा हूं, क्योंकि यहां कांग्रेस प्रवक्ता भी, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं तीसरा विकल्प तैयार हो रहा है, आपकी जगह खाली हो रही है, उसमें भरे जा रहे हैं, इसलिए आप मेहरबानी करके अपनी जो भी गुटबाजी है उसको खत्म कर दिए। लेकिन मैं गुटबाजी दो तीन बातें कहूंगा, गुटबाजी बात समय नेताओं की बिल्कुल नहीं है, उनको करना ही नहीं है, ये सारे कार्यकर्ताओं की गुटबाजी हो रही है। यानी कार्यकर्ता कभी अशोक गहलोत के इर्द गिर्द हैं, कभी पायलट के इर्द गिर्द हैं, कभी सीपी जोशी के इर्द गिर्द हैं, और बहुत समझने वाली बात है कि एक नेता कैसे कार्यकर्ताओं के हाथ में खेलता है और क्या इसका इतना आसान है। खालिद कुरैशी और सुनील प्रजापत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी जयपुर से नमस्कार। अश्वनी जी नमस्कार, बताइए। अश्वनी जी मैं कहना चाहता हूँ, आज कांग्रेस ले लो चाहे बीजेपी ले लो, आप देखो बीजेपी में गहलोत का गुट अलग हो गया, पायलट का गुट अलग हो गया, देखो घनश्याम तिवारी का गुट अलग हो गया, मुख्यमंत्री का अलग हो गया और किरोड़ी लाल मीणा का अलग हो गया। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि न तो बीजेपी ने हल कर दी, न कांग्रेस ने हल कर दी, अरे देश को ऐसी पार्टी चाहिए जो बिल्कुल एकता के साथ चले, पूरे संगठन के साथ लेके चले। ये आइडियल तस्वीर तो पेश करने की कोशिश होती है लेकिन ऐसा नहीं होता। खालिद साहब नमस्कार। हाँ सर नमस्कार, बताइए। सर जो गुटबाजी होती है पार्टियों में या कोई घर में, मतलब इसी गुटबाजी के कारण अंग्रेजों ने भारत पर 2 साल राज किया, तो देश के नेता या कोई घरेलू लड़ाई हो गुटबाजी छोड़े। कांग्रेस को ताकीद यहां पर कर रहे हैं। अर्चना जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका किस गुट से वास्ता है? इस पूरी चर्चा के बीच में ये सवाल दर्शकों के जहन में होगा। पहले देखिए अश्विनी जी, पहली बात तो मैं गुटबाजी शब्द में या उसके से संबंधित जो भी चीज हो उसमें विश्वास नहीं करती, पहली बात ये समझिए आप। अब जो यहाँ पर जितनी भी चर्चा हुई या जिस चीज़ को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं पूरे डिबेट में, आप उसे गुटबाजी कहते हो। मेरा मानना है कि हर राजनीतिक पार्टी में और विशेषकर राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी में बहुत से कद्दावर नेता होते हैं। जब नेता होते हैं तो उनके फॉलोअर्स भी होते हैं। अभी खंडेला जी ने एक बात तो सही कही कि कोई गुटबाजी नहीं है, फॉलोअर्स के बीच में एक एस्पिरेशन होती है कि हम जिस नेता के फॉलोअर हैं हम उसे शीर्ष पद पर। मुकुल वासनिक जब प्रदेश प्रभारी थे उनको कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि डॉक्टर चंद्रमान या फिर क्या करेंगे, इस बार उनको बार बार कहना पड़ रहा है। परिवर्तन है, आपको भी समझना पड़ेगा, पूरा देश भी देख रहा है।
एक ऐसी पार्टी जो बिना किसी विजन के, बिना किसी उसके भ्रम के सब सत्ता में आ गई, हमारा डिबैकल हुआ, हम इसको स्वीकार करते हैं, अब हमें उससे उबरना है। उबरना है तो ऐसी परिस्थितियों को जो हमारे समय पहले नहीं थी, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी कांग्रेस की कभी भी, तो आज जो स्थिति है उसमें हमें किस प्रकार से काम करना उसकी चर्चा है। यहाँ किसी की कोई गुटबाजी नहीं, किसे प्रमोट करना नहीं करना है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने सचिन पायलट जी को प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा है, ये सर्व स्वीकार्य है, कहीं भी कोई इफ एंड बट नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ है, सवाल इसी बात का, आपने जवाब दिया कि ये फैसला दिल्ली से हुआ, लेकिन क्या राजस्थान की मर्जी से हुआ? मेरी बात सुनिए, राजस्थान की मर्जी क्या, जो पार्टियां होती हैं उसमें एक शीर्ष नेतृत्व होता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो स्टेट की इकाइयां होती है उनके लिए वहां से नियुक्त। मेरे सवाल का जवाब, लेकिन मेरी बात सुनिए आप, अब आपकी समस्या ये है, मैं समस्या ही कहूंगी इसको, क्योंकि अब इसको चर्चा के रूप में मीडिया की समस्या, किसी की भी समस्या, कोई भी एक न्यूट्रल व्यक्ति भी देख रहा है तो उसे लग रहा होगा कि ये गुटबाजी है, ये जो मीटिंग हुई है इसका ये है कि एक जाजम पर सब नेताओं को बिठाया गया। ये जाजम सब नेताओं को बिठा करके उनके अनुभव को एकत्रित करके संगठन को कैसे मजबूत करना है, संगठन की गतिविधियों को कौन सी दिशा देनी है, क्योंकि पार्टी तो एक मुखी है, इसमें कोई संशय नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कि किसी प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष है तो बिल्कुल पंगु है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में आज आप हमारी कार्यकारिणी की बात कर रहे हो, आपके प्रदेश अध्यक्ष का दूसरी बार चयन कार्यकारिणी कार्यकर्ता क्या कह रहे थे कि आप तो काम कर लो पहले, कौन अब ये कह रहे हो आपके मोहल्ले में कांग्रेस क्यों हारी? अरे भाई आपके चक्रों में हारी, आपके कणु कैसे थे? खंडे में सब आ रहा हूँ, एक बार अर्चना जी की बात पूरी हो जाए, जो सवाल खड़ा किया अलका जी ने वो जवाब दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं। खंडेला जी बार बार इस चीज को फोकस करना चाहते, इतना एम्फसाइज कर रहे हैं उसको, खंडेला जी भी समझ जाएंगे। आप ये बता दीजिए कि आज से पहले इस तरह की एक राय वाली रवायत कांग्रेस में नहीं थी कि सब पूर्व अध्यक्षों को लेकर आया जाए, पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाया जाए या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को लाया जाए, लेकिन इस बार पहली बार हुआ। ली गई है, चाहे हम सत्ता में हो सत्ता से बाहर हो, मैं तो प्रदेश संगथन में साढ़े पांच साल से मीडिया का काम देख रही हूँ, चाहे पहले हम सत्ता में थे तब भी ये रवायत थी। आपको ध्यान होगा कि आपने अभी कहा कि सचिन पायलट जो राष्ट्रीय नेता के उसमें आपने उनको डाला नहीं, आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि वहां पर केंद्रीय मंत्री रहे, और जब हम सत्ता में थे कई बार मीटिंग प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जो सचिन पायलट ने मंत्री के रूप में शिरकत की वहां पर, तो ऐसा कहीं नहीं है कि आए नहीं है, बैठक नहीं हुई, सीपी जोशी जी पहले आकर के गए। अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कई राज्यों में चुनाव है, चुनाव की गतिविधियां चल रही हैं, संगठन को विस्तारित किया जा रहा है, सीपी जोशी जी ने अपना पहले से ही कहलवा दिया कि मेरी व्यस्त है, अगली बार कभी मीटिंग होगी मैं आऊंगा, तो आपको हर चीज को पब्लिक करने की आवश्यकता है। लेकिन जो खंडेला जी बोल रहे हैं बार बार जो एम्फसाइज, अरे आप मोहल्ले में हार गए, आप इतने इलाकों से हार गए, आपके पास में मैं आ रहा हूँ, अर्चना जी लोगों से सुन लीजिए आप क्या सोचते हैं। जाकिर साहब नमस्कार, बताइए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी पर अरब नहीं लगाना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार आदमी, भ्रष्टाचार नेता, और अभी आम आदमी पार्टी के 9 विधायक पकड़े गए, कुछ बंबई के अंदर कुछ बीजेपी के विधायक पकड़े गए, कांग्रेस के भी पकड़े गए, तो हमारे मतलब हमें हिंदुस्तान के अंदर कब ऐसा ऐसी सरकार मिलेगी जो ये नहीं कहे कि हम जातिवाद के लिए चुनाव लड़े, बल्कि ये कहे कि हमने ये कर दिया। उम्मीद बड़ी है लेकिन आज के मुद्दे से एक राय नहीं है। ओझा साहब नमस्कार। नमस्कार सुनील जी, बताए सर। पारिक साहब, कांग्रेस की गुटबाजी की आप बात कर रहे हैं तो मैं निवेदन करना चाहता जी से भी कि मेरी बात को गौर सुने। कामत साहब का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था अभी, तो कामत साहब के स्टेटमेंट देने से इनकी गुटबाजी कहाँ खत्म होने वाली है? और रही बात अर्चना जी के लिए, तो ठीक है, इनका कॉन्फिडेंस काम करता है, हमेशा ही करता है, और मैं अर्चना जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इनकी गुटबाजी अगर कांग्रेस और बीजेपी हम तुलना करें पारिक साहब, तो आपको इसी से पता चल जाएगा कि इनके पुराने लीडर कितने लीडर, बताऊं मैं आपको, जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के किसने छोड़ी उन्होंने, और छोड़ के आज बीजेपी में बैठे आराम से वो काम कर रहे पार्टी के अंदर, कितने लीडर कहूँ अर्चना जी आपको, जो शरद पवार साहब को ले लो, संगमा साहब को ले लो। आपके सवाल पे मैं अर्चना जी के पास आऊंगा, उससे पहले अलका जी आपका रुख करते हुए जानना चाहता हूँ कि क्या गुरदास कामत की राजस्थान में एंट्री के साथ ही प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी का जो चर्चे हैं उजागर होने लगे, बाहर आने लगे, ऐसा लगता है बीजेपी नहीं को? ऐसा क्योंकि रामकिशोर जी कुछ ऐसा ही कह रहे थे, मीणा साहब नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो आकर बार बार एंथुसियाज एम्फसाइज इस चीज को कर रहे हैं कि तीन ग्रुप है, हम सारे नेताओं को एक जाजम में बिठाएंगे, अगर ये बैठ के एक साथ बात कर रहे होते तो इनके जो प्रभारी है वो इस तरह की बातें नहीं करते।
उनके बात करने का मतलब यही है कि कांग्रेस में अच्छी खासी गुटबाजी है और इन्होंने जंबो अभी अपनी कार्यकारिणी बना रखी है, इनके अध्यक्ष आप भी बनाओ, इनके उपाध्यक्ष, ये सब आप संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। कार्यालय में जाके वो कहते हैं आप कौन, मैं उपाध्यक्ष, अच्छा आप कौन, मैं महामंत्री। अरे तो आप बनाओ ना, आप भी बनाओ, कार्यकर्ता संतुष्ट होगा। ये संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी कुर्सियों में बैठे हुए कार्यकर्ता बेचारा पिस रहा है, मोरल इतना डाउन हो चुका है ना, बंद करवाए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं से कि हम कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे। और आप तो इंदर ओझा जी को प्रवक्ता बना लो, इतने टाइम तक श्रोता के रूप में नहीं देखते, वो आपके प्रवक्ता ज्यादा डिबेट उसका नहीं हो सकता। आपको एक सजेशन दे रही हूं अलका जी, इंदर ओझा जी को संभाग। चलिए मैं ओझा जी वाली बात पर आऊंगा, अर्चना जी आऊंगा, उससे पहले श्याम सुंदर जी आपसे जानना चाहता हूं, क्या गुरदास कामत इस गुटबाजी के चक्कर में कहीं बड़ा रोल अदा कर रहे हैं? देखिए अश्विनी जी, गुरदास कामत जिस स्थिति से गुजर के आए हैं, अब वो ये कहे कि गुटबाजी समाप्त कर दो, अगर महाराष्ट्र के अंदर वो जाए वो किस बात से नाराज है, किस स्थिति से? तो आप जब यहाँ आकर के ये कहते हो कि हम गुटबाजी समाप्त करने आए, तो आपके ऊपर प्रश्नचिन्ह तो लगेगा क्योंकि आपने पार्टी छोड़ी। अब देखिए जब पार्टी ज्वाइन करी थी तो राजस्थान के नेता इस तरह से दिल्ली गए थे जैसे कि पार्टी नहीं इनका, छोड़ी। इनका सब कुछ चला गया और अब वो कुछ आ गया। मैं मानता हूँ पायलट के कहीं भी पायलट 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 और फिर खास व्यक्ति है खंडेला साहब, श्याम सुंदर जी की बात आ जाए, सुनिए तो सही, हमें बोलना पड़ेगा। आप सुनिए, आप मुझे बताइए क्या संजय निरुपम से नाराज होकर उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस से? बिल्कुल नहीं, उनका कौन सा वकील है? क्या कह रहे थे आपका कि मेरे को ऐसी स्थिति बनी, सारे मैसेजेस हमारे पास है, हर कार्यकर्ता के पास, मुझे संतुष्ट कर दिया इसलिए मुझे लौट के आ गया। उन्होंने कहा मुझे, ये कहना गलत है आपका कि सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करना है, आप कांग्रेस के अंदर ही आंदोलन करते हैं, आप प्रवक्ता है क्योंकि आप उसको बात के पक्ष में बोलेंगी, क्योंकि आप आरटी के प्रवक्ता होने के नाते। नहीं, मैं कयासों की बात कही नहीं रहा, आप बताइए कि आप पिछले चुनाव को अगर देखें, आप चुनाव देखिएगा, नहीं नहीं आप बात आप कुछ सुनिए तो सही, आप देखिएगा सोशल मीडिया जिस तरह की स्थिति बनाए हुए है, क्या कांग्रेस की स्थिति उसमें है क्या? आप सुनिए सही, आप डीसीसी का कोई फेसबुक है क्या? सोशल मीडिया है क्या? आपका तालमेल है क्या? आप 200 रुपए किलो हो गई, आप कांग्रेस में सारे आप अपने संगठन जिन गुटबाजी की आप बात कर रहे हो या भारतीय जनता पार्टी के सारे श्याम सुंदर जी, एक और दर्शक है अजमेर से राजेंद्र जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार जैन साहब। आप सबको नमस्कार साहब जी, सर बताए। मैं कहना चाहता हूँ हर पार्टी में गुटबाजी होती है, इसके बावजूद इन्होंने गुरदास सिंह कामत ने जो कहा कि हम एक है इनकी पार्टी आएगी। चलिए, एक बार बार कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? एक सवाल पायलट और कामत की राजस्थान को लेकर समझ का भी है, क्या राजस्थान कांग्रेस की नब्ज को ये दोनों नेता समझ पाए हैं? बाहर से आए गए या फिर थोपा गया? ब्रेक के उस पर। कामत जी का इस्तीफा देना और इस्तीफा दे के वापस आ जाना एक नाटक जैसा नजर आया और उससे राजनीतिक कई मोड़ आए। कुछ लोगों का कहना यह है कि वो अपने राजनीतिक कद बढ़ाना चाह रहे थे, राजनीतिक कद बढ़ा है या नहीं बढ़ा है ये आने वाले चुनाव परिणामों में सामने आ जाएगा। गहलोत और जोशी तो सेंट्रल की राजनीति करे तो अच्छा है, पायलट साहब यहाँ है तो पायलट साहब के नेतृत्व में अगर अगला चुनाव लड़े और यूथ आगे आए तो अच्छा है। मेन क्या है, मतभेद पैदा करने वाले गुरुदास कामत है, क्योंकि स्थिति यह है कि जो व्यक्ति इस तरह का ढोंग करता है, कभी इस्तीफा देता है, कभी पार्टी को ब्लैकमेल कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से विरोध ही बढ़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा।